हेलो एंड वेलकम टू दर्शन आई एस टुडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी योगा फिलोसफी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एंड फॉर अदर एग्जाम्स आल्सो दिस क्लास इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर दोज हु प्रिपेयरिंग हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज बिकॉज इन द लास्ट ऑफ दिस क्लास आई विल बी डिस्कसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके पिछले पाँच सालों में आए हुए हैं दैट आर गोइंग टू बी कवर्ड ओवर हेयर सो दिस क्लास इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल नेक्स्ट आई वुड लाइक टू मैं वॉट आर द टॉपिक्स दैट वी विल स्टडी इन दिस क्लास तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे यू पी एस सी के सिलेबस में है क्या क्या फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव चित्त नेक्स्ट चित्तवृत्ति नेक्स्ट क्लेश नेक्स्ट समाधि और उसके बाद में आता है कैवल्य तो ये पांच टॉपिक्स हैं जो कि हमारे यू पी एस सी के सिलेबस में हैं इसके अलावा अगर हम योग दर्शन की बात करते हैं तो योग दर्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ अष्टांग योग या फिर अष्टांग मार्ग यानी कि अगर हम बात करते हैं कैवल्य की तो कैवल्य की प्राप्ति के लिए अष्टांग मार्ग आवश्यक है जिसको महर्षि पतंजलि जो हैं वो क्या करते हैं इसको बताते हैं क्योंकि योग दर्शन के जो प्रणेता हैं जो प्रपाउंडर हैं योग दर्शन के द प्रपाउंडर ऑफ ऑफ योगा फिलासोफी इज महर्षि पतंजलि तो हमें क्या करना है कि हम ये पांच टॉपिक्स के अलावा जो अष्टांग मार्ग है जो कि महर्षि पतंजलि ने बताया है उसको भी हम शॉर्ट में पढ़ने वाले हैं ताकि आपको योग योग दर्शन पूरा अच्छे से समझ में आ जाए ये मैं ऐसा इसलिए भी करूँगा क्योंकि जितने भी यहाँ पे जो भी आप वीडियो देख रहे हैं सभी लोग जो है वो यू की प्रिपरेशन नहीं कर रहे होंगे कुछ लोग अपनी एम ए या फिर दूसरे एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे जहाँ पे उनके सिलेबस में अष्टांगमार्ग अष्टांग योग जरूर होगा तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे इसको कवर करूँगा लेकिन मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा ठीक है तो इस तरीके से क्या होगा कि हम पूरा जो योग दर्शन है उसको हम कवर कर पाएंगे इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको दर्शन आई का स्टडी मटेरियल परचेज़ करना है तो उसके लिए आप इस जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको परचेज़ कर सकते हैं वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा जो भी डेमो के नोट्स हैं वो हमारी वेबसाइट www.darshanis.com से आपको मिल जाएंगे वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप जो है उसको ऑर्डर परचेज ऑर्डर जो है वो कर सकते हैं अमेज़न पर भी कर सकते हैं फ्लिपकार्ट भी कर सकते हैं और चाहे तो आप मुझे ओपन ऑर्डर भी कर सकते हैं मेरे नंबर पर जो कि मेरा नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है अगर मुझे मेरे नंबर पे आप ऑर्डर करते हैं डायरेक्ट फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ोन पे ना करके तो आपका ऑर्डर जो है वो जल्दी प्रोसेस होता है क्योंकि क्या होता है कि जो फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन है वो पहले हमारे पास आते हैं ऑर्डर प्लेस होने के बाद हमसे कलेक्ट करते हैं स्टडी मटेरियल फिर आप तक पहुँचाते हैं तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है तो आपके लिए बेटर होगा कि आप मुझे डायरेक्ट कर दें और मैं यहाँ से डायरेक्ट आपका स्पीड पोस्ट जो है वो कर दूँगा तो आपको जल्दी पहुँच जाएगा ये तो बात हो गई स्टडी मटेरियल की इसके अलावा प्रीवियस ईयर के पाँच पाँच सालों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं यानी कि मैंने आपके लिए सॉल्व पेपर्स भी लिखे हैं वो भी आपके लिए अवेलेबल है उसके लिए भी आप ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकते हैं लेकिन वो अभी अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट नहीं मिलेगा उसके लिए आपको अभी ओपन ऑर्डर ही करना पड़ेगा मेरे नंबर पर जो कि मेरा आपको डिस्क्रिप्शन uh, बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आपके कोई भी डाउट्स होते हैं कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वहाँ से आपके जो क्वेरीज हैं डाउट्स हैं वो सॉल्व कर दिए जाएंगे इसके अलावा जो आप वीडियो देख रहे हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख सकते हो वहाँ पर भी आपको आपके डाउट्स का जवाब ज़रूर दिया जाएगा तो चलिए फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं योग दर्शन को तो योग दर्शन को समझने से पहले अगर हम इसके लिटरल मीनिंग की बात करते हैं कि योग क्या है अगर हम योग के लिटरल मीनिंग की बात करते हैं यानी कि इसके अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो योग का मतलब होता है यूनियन यूनियन का मतलब होता है जुड़ना अब जुड़ना किसका और किससे है ये एक सोचने वाली बात है तो अगर हम जैसे कि आप पढ़ते हैं इसको अभी आपने पढ़ रहे हो स्क्रीन पे योगा तो जो योगा आप पढ़ रहे हो इसका हिंदी नाम क्या है हिंदी नाम तो इसका योग है महर्षि जो हमारे बाबा रामदेव हैं जब ये इनको ले गए अमेरिका अमेरिका ले गए तब ये क्या बन गया योगा बन गया हालांकि वैसे भी किसी भी हिंदी टर्म को अगर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं उसमें ए लग जाता है तो योग का क्या बन जाता है योगा बन जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है योग और योगा एक ही है ठीक है तो आगे हम बात करते हैं योग के लिटरल मीनिंग की तो लिटरल मीनिंग जो होता है वो होता है यूनियन यूनियन का मतलब होता है मिलन अब किसका किससे मिलन यहाँ पे जो वेदांत में जो शंकराचार्य हैं वो ये कहते हैं कि अगर हम योग की बात करते हैं योग की बात करते हैं तो योग दर्शन का जो योग है उसका मतलब ये है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन यानी कि जब आपकी आत्मा जो है वो परमात्मा से मिल जाती है या फिर उसको मिलने का मार्ग खोज लेती है तो उसको हम योग कहते हैं द स्पिरिचुअल यूनियन यूनियन यानी कि ये जो मिलन कैसा है ये ये आध्यात्मिक मिलन होना चाहिए ये स्पिरिचुअल यूनियन होना चाहिए ठीक है द स्पिरिचुअल यूनियन ऑफ द इंडिविजुअल सोल विद द यूनिवर्सल सोल ठीक है यूनिवर्सल सोल कौन है परमात्मा है और इंडिविजुअल सोल कौन है मेरी आत्मा यानी कि आत्मा आत्मा का परमात्मा से आध्यात्मिक मिलन ही क्या है योग है ऐसा वेदांत दर्शन में कहते हैं ठीक है लेकिन हम वेदांत दर्शन नहीं पढ़ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं योग दर्शन पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो महर्षि पतंजलि हैं जिन्होंने ये दर्शन दिया है उनका योग से क्या मतलब है है ना तो अब हम बात करते हैं महर्षि पतंजलि की महर्षि पतंजलि जो कि ट्रेडिशनल फाउंडर माने जाते हैं योग सिस्टम के ठीक है ये कहते हैं योग चित्तवृत्ति निरोध कि योग क्या है चित्तवृत्तियों का जो निरोध है वही योग है ऐसा महर्षि पतंजलि कहते हैं अब हमें यहाँ पे कई सारी चीजें समझनी होंगी सबसे पहले हमें ये समझना होगा चित्त क्या 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 है वृत्ति क्या है 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 वृत्ति और उसका निरोध ठीक तो अगर आ, इसके इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में मैं आपको समझा देता हूं कि इससे पहले हमने पढ़ा था सांख्य दर्शन सांख्य दर्शन में हमने 25 सूत्र पढ़े थे जिसमें सबसे पहले आता है पुरुष उसके बाद में आती है प्रकृति पुरुष का जब प्रकृति से मिलन होता है तो महत यानी कि बुद्धि का जन्म होता है और बुद्धि के बाद में क्या आता है अहंकार और मन तो अहंकार मन और बुद्धि ये तीनों मिलकर बनाते हैं क्या ये तीनों मिलकर निर्माण करते हैं चित्त का ये तीनों मिलकर निर्माण करते हैं चित्त का और चित्त जब क्योंकि चित्त जो है वो क्या है वो प्रकृति का गुण है अब चित्त की उत्पत्ति किससे हुई है प्रकृति से हुई है लेकिन जो प्रकृति है वो पुरुष के सबसे समीप होती है पास में होती है इसलिए जो पुरुष का जो प्रकाश है वो चित्त के ऊपर पड़ता है चित के ऊपर पड़ता है, तो इसका रिलेशन जिससे भी होता है यानी कि हमारे चित्त का रिलेशन जिससे जिससे संबंध होता है वो उसको अपना समझने लगता है उसको वैसा ही समझने लगता है जिससे कि उसमें वृत्ति उत्पन्न होती है यानी कि उसमें मॉडिफिकेशंस उत्पन्न होते हैं ठीक है यानी कि हमारे चित्त का चित्त पर जब पुरुष का प्रकाश पड़ता है तो उसमें भांति भांति प्रकार के वृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं ठीक है ठीके? जो वृत्तियां होती हैं 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 उसको हम कहते ठीक है जो है जो जो वृत्तियों के जिसकी वजह से जो पुरुष है, वो अपने आप को क्या समझने लगता है प्रकृति समझने लगता है उन वृत्तियों को अपनी वृत्ति समझने लगता है ठीक है तो अब क्या है जो पुरुष था जो अपने आप में इटर कॉन्शियस था इटरनली फ्री था यानी कि वो हमेशा जो था वो मुक्त आत्मा था वो प्रकृति को अपना समझने के कारण इन वृत्तियों के कारण अपने आप को वो क्या लगता समझने लगता है प्रकृति समझने लगता है प्रकृति के गुणों को अपना समझने लगता है तो वो क्या क्या हो जाता है तब वो बंधन में आ जाता है तब वो बंधन में आ जाता है और ये बंधन किसका है उसकी अज्ञानता का बंधन है उसकी अज्ञानता क्या है कि वो प्रकृति है और प्रकृति के गुण उसके हैं ये वृत्तियाँ उसकी हैं ठीक है लेकिन जब उसको प्रकाश मिलता है किसका ज्ञान का प्रकाश मिलता है तो ये वृत्तियाँ जो हैं वो दूर हो जाती हैं चित्त से और चित्त से जो भी चित्त ने मॉडिफिकेशन किए होते हैं यानी कि वृत्तियों के रूप में जो भी पिक्चर क्रिएट हो रही होती है वो सारी पिक्चर्स जो है वो वो डिमोलिश हो जाती है इस तरीके से जब पुरुष जो है वो अपने सही रूप को पहचान जाता है कि मैं कौन हूँ मैं तो मुक्त आत्मा हूँ इस तरीके से जो पुरुष है उसकी मुक्ति संभव हो जाती है यानी कि चित्त की जो वृत्तियाँ हैं उनका निरोध निरोध का मतलब यह है कि चित्त की वृत्तियों चित्त चित की वृत्तियों को चित्त से अलग करना जिससे कि चित्त जो है वो क्या होगा वो कोई भी रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन नहीं नहीं दे दे पाएगा पाएगा जब वो नहीं दे पाएगा, तो जो पुरुष है वो क्या नहीं होगा अपने आप को प्रकृति नहीं समझेगा तो इस तरीके से चित्त की वृत्तियों का निरोध यानी कि उसको हटाना उसको डिमोलिश करना ही क्या है योग है ठीक है योग वृत्ति निरोधा इस पतंजलि यही योग दर्शन के जो महर्षि पतंजलि का जो योग दर्शन है उसका ये डेफिनेशन है है ठीक यही परिभाषा है कि चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है इट मींस दैट योगा इज रिमूविंग ऑफ ऑल फ्लक्चुएशन ऑफ द माइंड ठीक है मन के जितने भी फ्लक्चुएशन होते हैं चित्त की जितनी भी वृत्तियां होती हैं उन सभी को रिमूव करना ही क्या है योग है आगे बात करते हैं हम अब गीता क्या कहती है गीता जो है अगर आपने कभी पढ़ी हो जितने लोगों ने भी गीता पढ़ी होगी उनको पता होगा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो कभी भी सांख की बात अलग से नहीं करते वो योग की बात अलग से नहीं करते वो ये नहीं कहते कि सांख्य और योग अलग अलग हैं वो सांख योग की बात करते हैं

सांख्य दर्शन है वो निरीश्वर सांख्य कहलाता है और जो योग दर्शन है वो शेष सांख्य कहलाता है क्योंकि ये ईश्वर को मानते हैं ये ईश्वर को मानते हैं इसीलिए ये शेष सांख्य कहलाता है वैसे तो ये योग दर्शन है लेकिन इसको हम शेष सांख्य भी कहते हैं क्योंकि इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे सांख्य दर्शन वाले ही हैं इसमें क्या है डिफरेंस क्या है दोनों में कि जो सांख्य दर्शन है वो क्या है वो थियोटिकल पार्ट है और उसको प्रैक्टिकली किस तरीके से हम अचीव करेंगे अगर अगर लिब्रेशन अगर कैवल्य की बात सांख्य में की जाती है तो उस कैवल्य की प्राप्ति कैसे होगी उसको प्रैक्टिकल कैसे किया जाएगा वो प्रैक्टिकल जो तरीका है यानी कि जो अष्टांग मार्ग है ठीक है जो अष्टांग योग है वो अष्टांग योग कौन देता है योग दर्शन देता है तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो सांख्य दर्शन है वो एक थियरी थे, है और उसी को प्रैक्टिकल करके दिखाता है कौन योग दर्शन तो इस तरीके से दोनों जो फिलोसफीज हैं वो अलाइट फिलोसफीज हैं या फिर दोनों समान तंत्र हैं ठीक है अब हम बात करते हैं महर्षि पतंजलि के योग की वो ये कहते हैं कि योग का मतलब यूनियन नहीं है योग का जो मतलब है वो आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक एफर्ट है ठीक है आपकी आध्यात्मिक आध्यात्मिक प्रयास है और वो प्रयास जो है वो क्या है वो प्रयास ये है कि आप इस तरीके से परफेक्शन को प्राप्त कर लें जिससे कि आपका जो माइंड है बॉडी है सेंसेस हैं ठीक है यानी कि मन शरीर आपकी इंद्रियां कर्म इंद्रियां सारे जो है वो आपके वश में आ जाए और ऐसा कब पॉसिबल होता है जब आप योगी बन जाते हैं योगी का मतलब यह है कि जब आप अष्टांग योग के मार्ग को पूरा कर लेते हैं और जो आखिरी मार्ग है आखिरी जो चरण है समाधि का अगर आप वहां तक पहुंच जाते हैं तो आप कौन बन जाते हैं आप योगी बन जाते हैं और योगी बनने का मतलब यह है कि आपकी पुरुष ने यानी कि आपकी आत्मा ने यह पहचान लिया है कि मैं कौन हूं मैं पुरुष हूं मैं

प्रकृति नहीं हूं मैं कौन हूं मैं पुरुष हूं और मैं हमेशा मुक्त हूं क्लियर आगे बात करते हैं कि गीता जो है वो क्या कहता है कि सांख्य और योग जो है वो एक ही है, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं नेक्स्ट योगा मीन्स स्पिरिचुअल एक्शन एंड सांख्य मीन नॉलेज सांख्य जो है वो है योगा जो है वो प्रैक्टिस है ये भी मैं आपको बता चुका हूं नेक्स्ट है योगा बिलीव इन गॉड एज सेल्फ है योग दर्शन ये है कि जो ईश्वर है वो कौन है वो सभी आत्माओं में सबसे आत्मा है। योग दर्शन ऐसा मानता है इसीलिए योग दर्शन को शेषोर सांख्य बोलते हैं जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था ठीक है और जो सांख्य दर्शन है वो ये कहता है कि क्योंकि हम ईश्वर को प्रूव नहीं कर सकते ठीक है सिंस वी कैन नॉट प्रूव द गॉड सो वी डू नॉट से दैट देर इज गॉड वो उसको रिफ्यूट नहीं करते लेकिन वो उसको ये कहते हैं क्योंकि हम इसको प्रूव नहीं कर सकते इसलिए इसके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक है वो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा चित्त का ठीक है उसके बाद में हम कर, बात करेंगे चित्त की वृत्ति का और अभी हम इसके बात करने वाले हैं इसके कॉन्सेप्ट की कि चित्त क्या होता है चित्त की वृत्तियां क्या होती हैं इनका क्या कॉन्सेप्ट है ठीक है अब

जो आपका चित्त है जो चित्त है अब हम उसकी बात करते हैं चित्त क्या है सबसे पहले आता है पुरुष उसके बाद में प्रकृति पुरुष और प्रकृति के मिलन से क्या होता है सृष्टि की रचना होती है जिसमें सबसे पहला चरण जो सबसे पहला अगर कोई इवोल्यूट है सबसे पहले अगर किसी का जन्म होता है तो वो होती है बुद्धि ठीक है और बुद्धि के बाद में क्या आता है बुद्धि के बाद में आते हैं मन और अहंकार जो मन और अहंकार और बुद्धि ये तीनों मिलकर बनाते हैं किसको चित्त को ठीक है अब ये जो चित्त है ये पुरुष के सबसे पास होता है इसलिए सबसे ज्यादा प्रभावित होता है ये पुरुष से और इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है ठीक है तो हम बात किसकी कर रहे हैं चित्त की चित्त द थ्री इंटरनल ऑफ सांख्य बुद्धि और इंटेलेक्ट जिसको हम बुद्धि भी कहते हैं और इंटेलेक्ट भी कहते हैं अहंकार और ईगो यानी कि अहंकार जिसको हम ईगो भी कहते हैं इंग्लिश में मनस यानी कि माइंड ठीक है तो इन तीनों को मिला के क्या बनता है तीनों को मिलकर बनता है चित्त चित, चित ठीक है और चित्त ही है जिसको हम अंतःकरण या फिर अपना बोलते हैं कि हमारे अंतःकरण में ऐसा विचार आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपके मन बुद्धि और अहंकार में वो विचार उत्पन्न हो रहा है जो कि प्रकृति के ही पार्ट हैं और पुरुष के सबसे पास में रहते हैं और पुरुष के सबसे सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन जो है पुरुष का इसके ऊपर पड़ता है ठीक है और ये जो बुद्धि है इसमें आपका अहंकार होता है और मन होता है और जो है है वो क्या है? मन बुद्धि और अहंकार तो की, तो की होती है और जो मिलकर चित्त बनाते हैं तो इस, इस हिसाब से प्रकृति पुरुष से जब मिलन होता है तो सबसे पहले अगर किसी का जन्म होता है तो वो किसका होता है वो चित्त का होता है और चित्त के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव होता है सतोगुण का क्योंकि प्रकृति के तीन गुण होते हैं सतो गुण रजोगुण और तमोगुण तो सबसे पहले जो प्रभाव होता है वो सत्व का होता है इसीलिए जो है इसके ऊपर का प्रभाव ज्यादा होता है तो इसको सात्विक भी कहा जाता है जो चित्त है वो सात्विक होता है हालांकि इसमें वृत्तियां आ जाती हैं तो वृत्तियों की वजह से ये तामसिक या फिर रास्क भी हो जाता है वो बाद की बात है किस तरीके से जो गुण है वो उसके ऊपर डोमिनेंस होते हैं ठीक है ठीके? लेकिन ये जो चित्त है क्योंकि वो प्रकृति का इवोल्यूट है क्योंकि वो प्रकृति से बना है और प्रकृति जो है वो कैसी है वो अनकॉन्शियस है यानी कि वो जड़ है चेतन तो नहीं है चेतन कौन है पुरुष तो जो चित्त हुआ वो भी कैसा हुआ वो भी जड़ हुआ यानी कि वो भी अनकॉन्शियस है वो चेतन नहीं है वो कॉन्शियस नहीं है वो कैसा है वो जड़ होता है ठीक है लेकिन सबसे पास में होता है क्योंकि ये पुरुष के पुरुष के सबसे पास में होता है इसलिए इसके पास पावर होती है कि ये पुरुष में पुरुष को क्या करता है रिफ्लेक्ट करता है पुरुष को रिफ्लेक्ट करता है और ये कैसा दिखाई देता है ये कॉन्शियस दिखाई देता है और ये कैसा दिखाई देता है आपको ये चेतन दिखाई देता है यानी कि जो चित्त है मन बुद्धि और अहंकार जो है वो कैसा है वो है तो जड़ लेकिन क्योंकि वो पुरुष के पास होता है लेकिन इसलिए वो पुरुष में रिफ्लेक्ट होता है और वो पुरुष जैसा आपको कॉन्शियस दिखाई देता है यानी कि वो आपको चेतन दिखाई देता है नेक्स्ट अब क्योंकि ये किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर इसका संबंध होता है जो आपका चित्त है वो जिस भी ऑब्जेक्ट यानी कि जिस वस्तु से संबंधित होगा वो उसको उसी की फॉर्म ले लेता है अगर आपके चित्त का संबंध इस पानी के ग्लास से होता है तो ये इसको पानी का ग्लास समझने लगता है ठीक है तो ये जो चित्त है जो अपने आप को कुछ समझने लगा है इसका मतलब ये है ये इसमें कुछ मॉडिफिकेशन आया है वो कुछ समझने लगा है इसका मतलब इसमें कुछ मोडिफिकेशन आया है इस मोडिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं वृत्ति और यही चित्त की क्या होती है वृत्ति होती है और मॉडिफिकेशन ठीक है द लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस विच कम्स फ्रॉम द पुरुष एंड इलिमिनेट्स दिस फॉर्म इज कॉल्ड ज्ञान अब जो पुरुष है पुरुष का ज्ञान पुरुष की जो लाइट है यानी कि जो पुरुष का प्रकाश है जब चित्त पर पड़ता है जब पुरुष का प्रकाश चित्त पर पड़ता है तो उस चित को क्या मिलता है उस चित को ज्ञान मिलता है, है? है, ठीक हमारा जो मन बुद्धि से बना हुआ चित है, वो अपने आप में तो जड़ है लेकिन क्योंकि वो पुरुष के पास रहता है इसलिए वो पुरुष जैसा कॉन्शियस दिखाई देता है और पुरुष जैसे कॉन्शियस दिखाई देने के बाद में अब क्योंकि जो पुरुष है उसका प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है तो उसमें क्या क्या उत्पन्न होता है उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है और जो ज्ञान है वो उसकी क्या है उसका मॉडिफिकेशन ही तो है किसका है जो कि ज्ञान है ठीक है यानी कि चित्त की चित कई सारे मॉडिफिकेशन होते हैं ज्ञान भी ज्ञान यानी कि जो नॉलेज है दैट इज वन ऑफ दोज मोडिफिकेशन ठीक है यानी कि जो ज्ञान है वो एक वृत्ति है किसकी चित्त की जो उसको लगता है कि ये ज्ञान है ठीक है और ऐसा होता कब है जब पुरुष का प्रकाश चित्त के ऊपर पड़ता है ठीक है अब जो पुरुष है वो क्या है वो इसली प्योर कॉन्शियसनेस है वो अपने आप में शुद्ध चेतन आत्मा है ठीक है वो अपने आप में शुद्ध एक आत्मा है और सभी प्रकार के जो बंधन हैं सभी प्रकार की जो लिमिटेशंस हैं सभी प्रकार की जो बाधाएं हैं उन सभी से वो मुक्त है जिनका संबंध किससे होता है प्रकृति से होता है ठीक है यानी कि जितनी भी लिमिटेशन है, है, है वो सारे किसके हैं वो सारे प्रकृति के हैं इन सभी से पुरुष मुक्त है क्योंकि पुरुष के पास तो क्या नहीं है पुरुष के पास तो गुण ही नहीं है तो वो इन सारी चीजों से मुक्त है वो तो त्रिगुणातीत है क्योंकि उसके पास तीनों गुण नहीं है वो तीनों गुण किसके पास है प्रकृति के पास है सतोगुण रजोगुण और तमोगुण इसीलिए उसको त्रिगुण त्रयी बोला जाता है और पुरुष को त्रिगुणातीत बोला जाता है लेकिन जब पुरुष का रिफ्लेक्शन चित्त पर पड़ता है यानी कि प्रकृति पर पड़ता है तो वो क्या करने लगता है तब पुरुष जो है वो रॉन्गली आइडेंटिफाई करता है अपने आप को मॉडिफिकेशन उसको मान लेता है चित्त फिजिकल मीडियम फॉर द मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्पिरिट इस तरीके से जो चित्त है वो एक फिजिकल मीडियम होता है स्पिरिट को मैनिफेस्ट करने का यानी कि जो चित्त है आपका वो आत्मा जो आपकी आत्मा है उसको प्रदर्शित करने का एक एक कैसा माध्यम है एक भौतिक माध्यम है जस्ट एज एन रेड हॉट बॉल जैसे कि एक रेड हॉट बॉल होती है ठीक है अब जैसे कि अगर हम ऊष्मा की बात करते हैं फायर की बात करते हैं फायर क्या है फायर तो फॉर्मलेस है फायर तो फॉर्मलेस है लेकिन अगर किसी रेड हॉट किसी बॉल को अगर अगर किसी आयरन बॉल को अगर हम गर्म करते हैं तो वो कैसी हो जाती है रेड हो जाती है तो वो रेड हो जाती है अब वो रेड हो जाती है तो रेडनेस कैसे आई रेडनेस उसमें रेड क्योंकि आपको क्या दिखाई दे रहा है आपको फायर दिखाई दे रही है जबकि फायर की अपनी कोई फॉर्म नहीं है ठीक है इसी तरीके से जो पुरुष है जब वो प्रकृति के संपर्क में आता है तो चित्त की वृत्तियों को अपनी वृत्ति समझने लगता है और वो जिस तरीके से मॉडिफाई होते हैं वो उसके अपने मॉडिफिकेशन समझने लगता है जबकि उसमें अपने आप में कोई वृत्तियाँ होती ही नहीं है ठीक है इसी तरीके से जो चित्त है वो पुरुष में जो चित्त जो है वो चित्त के माध्यम से जो पुरुष है वो अपने आप को क्या समझने लगता है वो अपने आप को चित्त समझने लगता है और उसकी वृत्तियों को अपनी वृत्तियाँ समझने लगता है और उसमें जो भी मॉडिफिकेशंस होते हैं वो उसको अपना मॉडिफिकेशन समझता है नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं अब जो पुरुष है ठीक है जो पुरुष है जब वो ये रियलाइज कर लेता है पूरी तरीके से कि वो क्या है वो आइसोलेट है किससे वो आइसोलेट है किससे प्रकृति से, से? यानी कि चित्त से और वो कौन है एक पैसिव स्पेक्टेटर है एक पैसिव इंस्पेक्टर है स्पेक्टेटर है यानी कि वो चुपचाप मूक दृष्टा बन के बैठता है और वो चुपचाप प्रकृति के जो खेल हैं उनको देखता है बियॉन्ड द प्ले ऑफ प्रकृति यानी कि प्रकृति के किसी भी

जो प्रकृति के जो खेल थे वो बंद हो जाते हैं पुरुष अलग हो जाता है प्रकृति अलग हो जाती है और इसी को पुरुष का क्या माना गया है इसी को पुरुष का कैवल्य माना गया है यानी कि लिबरेशन माना गया है ठीक है और इस तरीके का जो सेसेशन है किससे मॉडिफिकेशन से, से? यानी कि इस तरीके का जो निरोध है किससे चित्त की वृत्तियों से जो निरोध है वही क्या कहलाता है उसी को हम योग कहते हैं अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको योग का मतलब क्या है ठीक है पुरुष का प्रकृति से मिलन के कारण जिन चित्त जिस चित्त का निर्माण हुआ है उस चित्त की वृत्तियों से उस चित्त की वृत्तियों से उस चित्त की वृत्तियों में जो चित्त की जो वृत्तियां हैं उनको अगर पुरुष अपने आप में रिफ्लेक्ट करने लगता है तो वो उसकी अज्ञानता है और वही उसका बंधन है लेकिन जब वो ये समझ जाता है कि नहीं मैं ये नहीं हूं तो वो उसकी मुक्ति है उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है ठीक है इट इज द रिटर्न ऑफ द पुरुष टू इट्स ओरिजिनल परफेक्शन ठीक है ये क्या है ये उसका ओरिजिनल परफेक्शन में रिटर्न है ठीक है और जो मोडिफिकेशन है वो वृत्तियां हैं वो पांच तरीके की होती हैं वो क्या होती हैं एक बार उनको हम समझ लेते हैं सबसे पहले आता है राइट right कॉग्निशन जिसको हम कहते हैं प्रमाण यानी कि कभी कभी आपकी जो वृत्ति है वो सही चीज़ें समझती है जिसको हम प्रमाण कहते हैं दूसरा होता है कभी कभी हम रॉन्गली जो हमारी हमारा जो चित्त है वो चीज़ों को कभी कभी रॉन्गली कॉग्नाइज करता है जिसको हम हिंदी में विपर्य बोलते हैं नेक्स्ट है वर्बल कॉग्निशन और इमेजिनेशन कभी कभी हम चीजों को वर्बली कॉग्नाइज करते हैं या फिर उसको इमेजिन करते हैं तो उसको हम कहते हैं विकल्प नेक्स्ट है एबसेंस ऑफ कॉग्निशन और स्लीप कभी कभी हमें समझ में नहीं आता क्या करना है और हमें क्या आता है बहुत सारी नींद आती है तो इसको हम बोलते हैं इसको हिंदी में कहा गया है निद्रा ठीक है प्रमाण विकल्प निद्रा और पांचवा है स्मृति यानी कि मेमोरी ये जो मेमोरी है यानी कि जो स्मृति है ये भी आपका क्या है ये भी चित्त का ही मॉडिफिकेशन है चित्त की वृत्ति है जिससे पुरुष को क्या करना है जिससे पुरुष को मुक्त होना है ठीक है नेक्स्ट ये 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 आपके चित्त की पांच वृत्तियां हैं जिनको पुरुष अपना समझने लगता है जब इन पांच वृत्तियों से क्या होता है पुरुष को मुक्ति मिलती है तो वो उसकी सच में लिबरेशन है नेक्स्ट अब हम बात करते हैं चित्त के लेवल्स की यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं चित्त की भूमिया तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं बता रहा हूं कि चित्त के जो लेवल्स हैं उनको हिंदी में हम बोलते हैं चित्त की भूमिया ठीक है so, तो जो चित्त के फाइव लेवल्स होते हैं इसकी हम बात करते हैं जो चित्त है उसके पांच भूमिया होती हैं और आ, जो चित्त के पांच लेवल्स हैं उनको हम चित्त चित के पांच भूमिया बोलते हैं द डिफरेंस इन द लेवल आर ड्यू टू द प्रिडिनेंस ऑफ द डिफरेंट गुनास ठीक <invece> है और जो चित्त की भूमिया हैं पांच भूमिया हैं उन पांचों भूमियों में जो डिफरेंस होता है वो अलग अलग गुणों के डोमिनेंस की वजह से होता है ठीक है कभी कोई गुण डोमिनेंट होता है कभी कोई गुण डोमिनेंट होता है तो अलग अलग गुणों के डोमिनेंस होने से अलग अलग भूमिया जो हैं, तो तो है। यानी कि अलग अलग चित्त के लेवल्स बनते हैं ठीक है सबसे पहला है क्षिप्त यानी कि रेस्टलेस जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रेस्टलेस दूसरा है मुधा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टॉपेड नेक्स्ट है विक्षिप्त जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रैक्टेड नेक्स्ट एकाग्र यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड नेक्स्ट है निरुद्ध यानी कि रेस्ट्रिक्टेड इनको एक बार हम डिटेल में पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में ठीक है है सबसे पहला क्षिप्त यानी कि रेस्टलेस तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कैसे होते हैं जो रेस्टलेस होते हैं बहुत ही बेचैन होते हैं उस उस जो लोग होते हैं बेचैन हमेशा उनमें बेचैनी रहती है कभी ना किसी की कभी ना कभी किसी ना किसी चीज को देख के वो कैसे रहते हैं वो हमेशा बेचैन रहते हैं वो सताए हुए रहते हैं उनको हमेशा प्रॉब्लम ढूंढने में मजा आता है जहाँ सब कुछ ठीक है वहाँ भी वो प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं तो ऐसे जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं वो रेस्टलेस होते हैं ठीक है ठीके? और ये जो है ये लोएस्ट लेवल है किसका भूमियों का यानी कि आपके जो लेवल्स हैं चित्त के ये चित्त का सबसे लोएस्ट लेवल है क्योंकि यहाँ पे जो मन है वो कैसा होता है वो रेस्टलेस होता है ठीक है जो मन है वो कैसा होता है वो रेस्टलेस होता है यानी कि वो बेचैन होता है क्योंकि यहाँ पे जो रजस है जो रजोगुण है उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है जहाँ पे रजोगुण का प्रभाव सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे बेचैनी होती ही होती है इस तरीके से जो जो डिफरेंट सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं ठीक है ठीके? उनमें इसमें उनमें क्या है उनमें शटल कॉक का, का काम करता है ठीक है यानी कि जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा बेचैन रहता है ठीक है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है उसको हम क्षिप्तावस्था में काउंट कर सकते हैं कि उसकी जो अवस्था है वो कैसी है वो क्षिप्तावस्था है क्षिप्त है यानी कि उसकी जो अवस्था है वो क्षिप्त अवस्था यानी कि वो रेस्टलेस है, यहां पे है second, मुधा या फिर, यहां पर क्या होता है यहाँ पे जो तमोगुण है उसका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है और मैंने आपको बताया था जब मैंने सांख्य दर्शन आपको पढ़ाया था और सांख्य दर्शन में प्रकृति के तीन गुण पढ़ाए थे तो उन तीन गुणों में मैंने आपको बताया था सतोगुण रजोगुण और तमोगुण तो तमोगुण का प्रभाव जिसके ऊपर सबसे ज्यादा होता है वो कैसा होता है उसको पसंद होता है डार्कनेस उसको 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 पसंद 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 होता 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 है 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 इनर्शिया आराम इग्नोरेंस ठीक है वो कैसा होता है वो स्लीपी होता है लथार्जिक होता है वो उसको इग्नोरेंस में रहता है ठीक है वो डिल्यूजन भ्रम में रहता है ठीक है तो ऐसे जो लोग होते हैं वो कौन सी अवस्था में होते हैं वो मुद्दा अवस्था में होते हैं क्योंकि इन लोगों के ऊपर तमोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है इसीलिए कई बार कहते हैं ना कि भाई तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए तामसिक भोजन करने से क्या होता है बहुत नींद आती है दिमाग जो है वो काम नहीं करता ठीक है इसीलिए कहते हैं सात्विक बनो तामसिक भोजन मत करो यानी कि जो मदरा है मांस है ये सारी चीजें स्मोकिंग वगैरह ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सब क्या होता है ये सब तामसिक भोजन होता है कहते हैं ना कि लहसुन और प्याज तो सब्जी है ये कोई नॉनवेज तो नहीं है ठीक है तो फिर इसको मना क्यों करते हैं इसको इसलिए मना करते हैं क्योंकि लहसुन और प्याज भी कैसे हैं वो तामसिक भोजन में आते हैं ये आपके रक्त के प्रभाव को और ज्यादा बढ़ाते हैं और आपके अंदर गुस्सा पैदा करते हैं जिससे कि आपके ऊपर क्या होता है जिससे आपके ऊपर तमोगुण का प्रभाव बढ़ता है और तमोगुण का प्रभाव बढ़ेगा तो आप मुधावस्था में जाएंगे और मुधावस्था में जब आप जाएंगे तो आप अज्ञानता की ओर जाएंगे आपको नींद बहुत आएगी और आपको आलस बहुत आएगा ठीक है आगे बात करते हैं नेक्स्ट जो आपकी अवस्था है नेक्स्ट जो लेवल है चित्त की जो भूमि है नेक्स्ट वो है विक्षिप्त यानी कि इस अवस्था में जो कोई व्यक्ति होता है उसको हम कहते हैं विक्षिप्त अवस्था कि कोई व्यक्ति विक्षिप्त भी हो सकता है ठीक है यानी कि विक्षिप्त को हम बोलते हैं डिस्ट्रैक्टेड यानी कि जो व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट हो चुका है अपने पद से भटक चुका है उसको हम कहते हैं विक्षिप्त यानी कि विक्षिप्ता अवस्था यहाँ पे जो सतोगुण का प्रभाव है जो सप सतोगुण का प्रभाव है वो सबसे ज्यादा रहता है लेकिन कभी कभी जो रजोगुण है वो भी यहाँ पे आ जाता है कभी कभी रजोगुण का प्रभाव भी इसके ऊपर हो जाता है तो इस लेवल को हम कहते हैं विक्षिप्त या फिर डिस्ट्रैक्टेड नेक्स्ट है एकाग्र और कॉन्सेंट्रेटेड ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें जो व्यक्ति है उसके ऊपर जो आ, गुण है वो सत सतोगुण और रजोगुण ये उस सॉरी उसके ऊपर जो डोमिनेट होता है वो सतोगुण होता है और जो तमोगुण और रजोगुण है वो उसका कैसा होता है वो वो सब डी हो जाता है यानी कि उसको वो दबा देता है तो सतोगुण का प्रभाव ज़्यादा होता है रजोगुण और तमोगुण दबे रहते हैं तो जो व्यक्ति है वो कैसा रहता है वो एकाग्र अवस्था में रहता है वो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है वो अपनी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर अपना जो ध्यान है वो केंद्रित कर सकता है ठीक है इस तरीके से जो मन है वो क्या बन जाता है वो वो बन जाता है यानी कि वो एकाग्र बन जाता है किसी भी चीज के लिए या फिर ध्यान के लिए वो चीजों में ध्यान आराम से अपना केंद्रित कर सकता है, है जो पांचवा जो आपका लेवल है वो निरुद्ध है, है वो कौन सी है वो निरुद्धावस्था है ठीक है हेयर द मेंटल मोडिफिकेशन आर अरेस्टेड यहाँ पे जितने भी मेंटल मोडिफिकेशन है वो सारे अरेस्ट हो जाते हैं यानी कि मैंटल मोडिफिकेशन का मतलब क्या है चित्त की वृत्तियां चित्त की वृत्तियों का यहाँ पे नाश हो जाता है दो देर लेटेंट इम्प्रेशन रिमेन हालांकि उनके जो छिपे हुए गुण हैं वो कभी कभी थोड़े बहुत रह जाते हैं द फर्स्ट थ्री लेवल्स आर नॉट एट ऑल कंक्लूसिव टू यौगिक लाइफ ओनली लास्ट टू आर यानी कि पहले के ये जो दो जो, जो तीन लेवल्स हैं ठीक है कौन कौन से क्षिप्तावस्था और मुदावस्था और दूसरा तीसरा जो है आपका विक्षिप्तावस्था क्षिप्त मुधा और विक्षिप्त ये जो तीन लेवल्स लेवल्स हैं हैं ये ये तीन लेवल्स जो ये योग के लक्षण नहीं हैं योग के लक्षण कौन कौन से हैं एकाग्र और निरुद्ध एकाग्र में जहाँ पे आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है और निरुद्ध जहाँ पर आपकी चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो इस तरीके से हम चित्त के पांच लेवल्स यानी कि चित्त की पांच भूमियों को पढ़ते हैं ये एक क्वेश्चन एक आया था आपका 2020 में आया था शायद उसमें ये पूछा गया था कि आ, जो डॉक्टर है और एक भगवान की पूजा करने वाला आ, व्यक्ति है और एक योगी है इन तीनों के जो चित्त हैं इनके क्या क्या लेवल्स होंगे नहीं डॉक्टर ने साइंटिस्ट का पूछा गया था तो जो तो साइंटिस्ट होता है वो कैसा होता वो रेस्टलेस होता है ठीक है क्योंकि उसके ऊपर रजोगुण का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है वो एक्टिव होता है उसका माइंड बहुत तेजी से काम करता है ठीक है और वो नई नई प्रॉब्लम्स को लेके आता है उन प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को ढूंढता है ठीक है तो वो कौन सी अवस्था में उसके ऊपर कौन सा उसका जो आ, उसकी जो चित्त की भूमि है वो कौन सी वाली है वो है क्षिप्त ठीक है और जो व्यक्ति ईश्वर की उपासना करता है ईश्वर के ईश्वर में अपना कंसंट्रेशन कर लेता है तो उस उसके उसका चित्त का कौन सा लेवल है उसकी उस, उसका चित्त का कौन सा लेवल है उसका है एकाग्र ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं योगी जो योगी होता है वो कौन होता है योगी तो वही होता है ना जिसकी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है और चित्त की जिसकी वृत्तियों का निरोध हो गया वो तो योगी हो गया तो और ये कहाँ पे होता है ये निरुद्ध वाले लेवल पे होता है यानी कि फिफ्थ वाले लेवल पे होता है तो इसका मतलब ये है कि तीनों का आंसर इस तरीके से हम लिख सकते हैं अपने आंसर में ठीक है ये आपको पता चलेगा जब मैं आपको कराऊंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट आगे बात करते हैं तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको अच्छा लग रहा हो मैं समझा रहा हूँ आपको तो उसको लाइक कर दें आपके लाइक करने से ये होगा कि उन बच्चों को पता चलेगा कि ये वीडियो कैसी है जो बच्चे सच में नीडी हैं ठीक है ठीके? और आपके सब्सक्राइब करने से ये होगा कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी करना है ताकि जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा ठीक है चलिए आगे बात करते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है अभी तक हमने पढ़ी थी चित्त चित्त की वृत्तियाँ और चित्त के लेवल्स ठीक है नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी क्लेश यानी कि कलेश क्या क्या हैं? अब आप कहोगे जीवन में ही कलेश है है ना जीवन में और है क्या ही कलेश है। तो ये सच है कि लाइफ इज फुल ऑफ क्लेशाज फुल ऑफ स्वरव फुल ऑफ सफरिंग्स बहुत सारी सफरिंग्स हैं ठीक है जैसा कि जैन धर्म में भी कहा गया है ठीक है जैन धर्म में भी क्या बोलते हैं कि जो संसार है वो कैसा है वो दुख में है और हमारा काम क्या है कि उन दुखों से मुक्ति के साधन को खोजना ठीक है तो मुक्ति से मुक्ति की बात सभी करते हैं मोक्ष की बात सभी करते हैं कोई इसको मुक्ति बोलता है कोई मोक्ष बोलता है कोई कैवल्य बोलता है ठीक है तो इंग्लिश में जिसको लिबरेशन या फिर इमैनसिपेशन बोलते हैं तो इंडियन फिलोसफी में लगभग सारी जो दर्शन है चारवा को छोड़ के वो मोक्ष की बात करते हैं और मोक्ष का जो साधन है उसको क्या मानते हैं सारे के सारे एक ही साधन मानते हैं और वो है ज्ञान ठीक है अब ज्ञान सबका अलग अलग है कोई कहता है सांख्य योग कहता है कि पुरुष के ज्ञान का मतलब ज्ञान है ठीक है अगर वेदांत की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं ब्रह्म का ज्ञान ही ज्ञान है ठीक है चारवाक दर्शन तो मानता ही नहीं है को, क्योंकि वो तो ये कहता है कि जो शरीर है वही आत्मा है जो आत्मा है वही शरीर है शरीर खत्म हो गया मतलब आत्मा खत्म हो गई ठीक है तो चलिए आगे बात करते हैं क्लेश की तो जो क्लेश जो है वो संस्कृत का शब्द है और जिसका मतलब है पॉइजन या फिर एफ्लिक्शन पॉइजन या फिर एफ्लिक्शन द टर्म इज़ यूज टू डिनोट स्पेसिफिक नेगेटिव मेंटल पैटर्न दैट ऑब्सक्योर आर मेंटल नेचर यानी कि हमारे मन में जितनी भी नेगेटिविटी आती है जो भी नेगेटिव मेंटल पैटर्न बनते हैं वो सब क्या हैं वो क्लेश हैं यानी कि जितने भी नकारात्मक विचार हमारे मन में आते हैं वो सब हमारे लिए क्लेश हैं और जीवन में कोई क्लेश नहीं है इसका मतलब ये है कि सारे क्लेश की जो जड़ है वो हमारा मन ही है ठीक है अगर हम अपने मन को काबू में कर लेते हैं अगर हम अपने मन को समझा लेते हैं कि सब कुछ अच्छा है जैसा कि पीके जैसा कि वो थ्री इडियट्स मूवी में बोलता है ऑल इज वेल है ना तो ऑल इज वेल अगर हम बोल देते हैं तो सच में ऑल इज वेल ही है ठीक है तो ये जो क्लेश है ये क्या है ये जो क्लेश है ये मन के क्लेश हैं अगर हम अपने मन से क्लेश निकाल देते हैं तो कोई क्लेश नहीं बचता है ठीक है तो इस तरीके से जो क्लेश है वो क्या है वही कॉज ऑफ सफरिंग है योगा में योगा में यही बोला गया है और बुद्धिस्ट फिलासफी में भी यही बोला गया है कि जो क्लेश है वो क्या है वही हमारे जो सफरिंग हमारे दुख का कारण है और जो क्लेश है वो कुछ और नहीं हमारे मन के वहम है कि मैं दुखी हूँ हमारा मन मान लेता है कि मैं दुखी हूँ और हमारा मन मान लेता है कि मैं सुखी हूँ तो सच में सुखी हूँ है ना वही एक कहावत है ना कि मन के हारे हार है मन के जीते जीत अगर आपने मान लिया कि आप हार गए हैं तो सच में आप हार गए हैं अगर आपने मान लिया है कि आप जीत गए हैं तो आप सच में जीत ही गए हैं ठीक है तो चलिए आगे बात करते हैं क्लेश के बारे में तो जो क्लेश हैं योग दर्शन में पांच बताए गए हैं सबसे पहला है अविद्या यानी कि इग्नोरेंस यानी कि कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति अगर अज्ञानता को अपने मन में रखता है तो वो सबसे बड़ी बड़ा उसका क्लेश है सबसे सबसे ज्यादा दुखी कौन रहता है जो अज्ञानी पुरुष है जिसको ज्ञान है वो तो ठीक है वो तो खुश है हाँ ठीक है उसको पता है कि सब मोह माया है है ना लेकिन जिसको अज्ञानता है जो कहता है अरे ये मेरा है वो मेरा है ये सब मेरा है ये ऐसा है वैसा है ये बड़ा अच्छा है वो बड़ा अच्छा है ये बड़ा बुरा है वो बड़ा बुरा है ठीक है जो इस तरीके से अज्ञानता रखते हैं अपने पास वो वो क्या है अज्ञानता को हिंदी में अविद्या कहा गया है और ये अपने आप में एक क्लेश है जो कि मन का एक मन का एक दुख है ठीक है नेक्स्ट है अस्मिता अस्मिता को कहते हैं इंग्लिश में ईगोइजम कि मैं हूं मैं ठीक है वो यानी कि जो पुरुष है वो क्या कर वो क्या करता है प्रकृति के जो गुणों हैं उनको अपना मानता है वो अपने आप को उसमें अहंकार होता है क्योंकि जो चित्त है ना वो अपने आप को चित्त में मानता है तो चित्त में क्या होता है अहंकार होता है ईगो होता है तो अगर पुरुष प्रकृति को अपना मानने लगता है यानी कि मैं अगर ये मानने लगता हूँ कि ये देखो मैं कि कितना सुंदर प्राणी हूँ ठीक है ये मेरा शरीर है और ये है तो वो क्या है वो अस्मिता है नेक्स्ट हम बात करते हैं राग राग का मतलब होता है अटैचमेंट हमें चीजों से अटैचमेंट होता है हमें लोगों से अटैचमेंट होता है कि ये मेरा है ये चीज़ मेरी है ठीक है ये व्यक्ति मेरा है ठीक है तो ये क्या है ये सब अटैचमेंट है और जो अटैचमेंट है वो भी अपने आप में एक कलेश है और कलेश हमेशा दुख का कारण होता है क्योंकि जिस वस्तु या फिर जिस व्यक्ति को आप अपना मानते हो जब वो आपको छोड़ के जाता है या फिर जो आपसे खो जाता है भगवान छीन लेता है कभी कभी तो फिर आपको क्या होता है आपको दुख होता है और वो दुख किस लिए हुआ था क्योंकि आपके मन में क्लेश था और वो क्लेश क्या था उस व्यक्ति के प्रति आपका राग यानी कि आपका अटैचमेंट तो आपको क्या करना है अपने मन से अटैचमेंट निकाल देना है अगर सुखी रहना है तो ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं द्वेष की लोगों के मन में द्वेष होता है रिपल्शन होता है अवर्जन होता है एक दूसरे से घृणा करते हैं ये सब क्या है आपके मानसिक विकार ही तो हैं ये सब क्या है आपके माइंड के आ, क्लेश ही तो हैं इस क्लेश को निकाल के बाहर फेंको और मुक्त हो जाओ नेक्स्ट है अभिनिवेश अभिनिवेश का मतलब होता है फियर ऑफ डेथ एंड विल टू लिव ये हम सभी में होता है मौत से सबको डर लगता है और सब चाहते हैं कि हम जीवित रहें और हमारी जीवित रहने की जो इच्छा है ना यही हमें बार बार इस जीवन में लेके आती है और बार बार हमें इस भौतिक जगत में जो कि कैसा है जो दुखमय है हमें बार बार उसमें जन्म लेना पड़ता है और नाना प्रकार के जो दुख हैं उनको भोगना पड़ता है क्योंकि हम क्या होते हैं हम तो प्रकृति से बनते हैं प्रकृति से बनते हैं तो प्रकृति के तीन गुण होते हैं तीनों गुणों की वजह से हमें तीन प्रकार के दुख मिलते हैं आध्यात्मिक आदिदैविक और आदि भौतिक जिसकी वजह से क्लेश उत्पन्न होते हैं और क्लेश से हमें दुख ही दुख प्राप्त होते हैं ठीक है और इसकी सबकी जड़ क्या है सबकी जड़ जो है वो कि हमें मृत्यु से डर लगता है देखो कहने के लिए दुनिया जो है वो कैसी है दुख में है लेकिन फिर भी हम जीना चाहते हैं है ना ये ये इंसान का नेचर है आप देखिएगा कि हम यही कहते हैं कि संसार दुख में है और संसार में दुखी दुख हैं संघर्षी संघर्ष है ये ऐसा है वो वैसा है लेकिन फिर भी हम जीना चाहते हैं फिर भी हम ये नहीं कहते कि हाँ ठीक है चलो बेकार है सब कुछ बेकार है चलो छोड़ो संसार को चलते हैं ईश्वर के पास ऐसा कोई नहीं कहता है ना क्योंकि ये जो उसकी इच्छा है ना जीवित रहने की जब वो मर भी जाता है उसकी इच्छा उसकी आत्मा के साथ लगी रहती है और वही इच्छा उसको उस आत्मा को इस संसार में दोबारा लेकर आती है जिससे कि वो बार बार ये जन्म और मरण के बंधन में फंसी रहती है ठीक है आगे बात करते हैं ये जो अभी हमने आ, क्लेश को मैंने अभी आपको समझाया था इग्नोरेंस ये वही है इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको मैंने आपको बहुत ही डिटेल में यहाँ पे समझाया है अविद्या यानी कि इग्नोरेंस इज द मिसकॉन्सेप्शन ऑफ अ ट्रू रियलिटी बिलीविंग दैट द टेम्परारी इज इटर्नल द इम्प्योर इज प्योर एंड प्लेजर टू बी पेनफुल ठीक है इसी से बाकी के जो चार क्लेश है उनका जन्म होता है और इस अविद्या के कारण हम क्या समझ लेते हैं हम रियालिटी को अनरियल समझते हैं अनरियलिटी को रियलिटी समझने लगते हैं टेम्परे को हम इटर्नल समझने लगते हैं यानी कि जो 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 मरणशील है उसको हम नश्वर प्लेजर, प्लेजर समझते हैं ठीक है तो यही क्या है ये अविद्या है उसी अविद्या के कारण आपके बाकी के जो चार चार क्लेश है उनका जन्म होता है ठीक है अगला है अस्मिता आई एमनेस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आर सेल्स विद आर ईगो हम जब अपने आप को अहंकार समझने लगते हैं वी क्रिएट अ सेल्फ इमेज ऑफ आर सेल्फ देट वी बिलीव इज अस बट इट इज नॉट अस ठीक है हम ये समझने लगते हैं कि मैं हूँ मैं क्या समझने लगता हूँ कि मैं सौरभ हूँ ठीक है दिस सेल्फ इमेज कैन कंटेन बोथ एक्सटर्नल आई एम प्यर एंड इंटरनल आई एम बैड पर्सन ये दोनों चीजें इसको कवर करता है कि मैं एक्सटर्नली कैसा हूँ और इंटरनली कैसा हूँ कि देखो मैं कितना अच्छा दिखता हूँ देखो मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ या फिर देखो मैं कितना क्रूप दिखता हूँ देखो मैं कितना घणित व्यक्ति हूँ ठीक है इस तरीके के जो प्रोजेक्शंस होते हैं वो क्या है वो अस्मिता है वी वी बिकम ट्रैप विद इन द हैव क्रिएटेड ऑफ लाइफ इस तरीके के जो इम्प्रेशन हम जो प्रोजेक्शन प्रोजेक्शंस हम बनाते हैं अपने उन्हीं में हम क्या कर जाते हैं हम उनका एक जाल होता है उसमें हम फंस जाते हैं और इसको हम कहते हैं अस्मिता अस्मिता के जाल में हम फंस जाते हैं ठीक है अगला है राग यानी कि अटैचमेंट इज अट्रैक्शन फॉर द थिंग्स दैट ब्रिंग्स सेटिस्फेक्शन टू आर्स ठीक है टू वन सेल्फ यानी कि जो चीजें हमें क्या करती हैं जो चीजें हमें सेटिस्फैक्शन देती हैं हमें संतुष्टि प्रदान करती हैं उन सारी चीजों से हमें अट्रैक्शन हो जाता है ठीक है मान लीजिए पिज्जा खा के हमें बड़ी संतुष्टि मिलती है तो क्या हो जाता है पिज्जा से हमें अट्रैक्शन हो जाता है किसी व्यक्ति से बात करने से हमें बड़ी संतुष्टि मिलती है तो उस व्यक्ति से हमें अट्रैक्शन हो जाता है क्योंकि हम उससे सेटिस्फाई हो रहे हैं ठीक है आई डिज़ायर्स फॉर प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस क्रिएट माइंडलेस एक्शंस एंड ब्लाइंड साइटेड विजन इस तरीके के जो हमारी इच्छाएँ होती हैं ठीक है ठेके? किस तरीके की कि हमें प्लेजरेबल एक्सपीरियंस चाहिए हमें सुख में अनुभव चाहिए तो ये जो सुखमय अनुभव की जो इच्छा है आपकी अभिलाषा है वो क्या करती है वो इस तरीके के काम आपसे करवाती है जो कैसे होते हैं माइंडलेस होते हैं ठीक है अन इंटेलिजेंट होते हैं ठीक है ब्लाइंड साइटेड आपको विजन देते हैं वो आपको ठीक है जिसमें आपको सही और गलत दिखाई नहीं देता है वेन वी कैन नॉट ऑप्टेन वॉट वी डिज़ायर वी सफ़र और जब हमें उस तरीके से चीज़ें नहीं मिलती हैं तो हम क्या करते हैं हम सफ़र करते हैं यानी कि हमें दुख मिलता है हम दुखी हो जाते हैं और जब वो हमें चीज़ें मिल जाती हैं और तो हमारी जो फीलिंग्स होती हैं वो प्लेजर में बदल जाती हैं बहुत जल्दी और जब हमसे हमसे खो जाती हैं तो बहुत जल्दी जो प्लेजर है हमारा फेड हो जाता है ठीक है और उस तरीके से जब हम हमारा प्लेजर फेड हो गया तो उसको उसको दोबारा से हम गेन करने के लिए हम क्या करते हैं दोबारा से जो हमारा एंडलेस साइकिल है उसको पाने का उसमें हम फंसे रहते हैं कि नहीं हमें फिर से वो चीज़ चाहिए और ये चाहिए नहीं चाहिए चाहिए नहीं चाहिए इसके चक्कर में हम फंसे रहते हैं और इस तरीके से हम कभी भी मुक्त नहीं हो पाते हैं और यही हमारे दुखों के कारण हैं। नेक्स्ट द्वेष यानी कि रिपल्शन ये क्या है ये राग का उल्टा है यानी कि अवर्जन टूवर्ड्स तो थिंग दैट प्रोड्यूस अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस यानी कि ये क्या है ये ऐसी चीजों की तरफ जाता है जो कि आपको अनप्लेजेंट देते हैं इफ यू कैन नॉट अवॉइड द थिंग्स वी डिसलाइक वी सफर अगर ऐसी चीजों को हम क्या नहीं कर सकते अवॉइड नहीं कर सकते तो हम उसको सफर करने लगते हैं कुछ चीजें होती ना कि कहते हैं कि इसको अवॉइड करो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता वो जब भी आपके सामने आते हैं तो आपको एक नेगेटिविटी आती है तो उसका इलाज क्या है कि आप उसको अवॉइड करें लेकिन अगर आप उसको अवॉइड नहीं कर पाते तो आपको क्या होता है आप सफर करते हो ठीक है इवन थिंकिंग अबाउट अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस प्रोड्यूसिस सफरिंग और इस तरीके से वही तो होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा होता लेकिन फिर भी उनके बारे में सोचने से ही आपको गुस्सा आ जाता है या फिर वो आपके सामने आ जाए आपका दिमाग खराब हो जाता है जबकि उसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा वो आपसे कुछ नहीं ले गया ठीक है तो इस तरीके से जो द्वेष है वो भी क्या करता है आपको दुख उत्पन्न करता है नेक्स्ट है अविनिवेश फिफ्थ वाला जो क्लेश है वो क्या है वो अविनिवेश नहीं मुझे मरना नहीं है मुझे मरना नहीं है और मुझे इस दुनिया में जीवित रहना है हमेशा जब हमारी ये इच्छा होती है तो क्या होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ वर्किंग देम तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि जो क्लेश है उसको आप समझें जो क्लेश है उसको आप समझें समझेंगे तभी आपकी जो इच्छा है ना अभिनिवेश वाली कि मुझे हमेशा जीवित रहना है इसको आप त्याग पाएंगे ठीक है और इस तरीके से फिर क्या होता है कि अग, अब हमें यह देखना है कि जो हमारा ओवरकमिंग ऑफ द क्लेश है यानी कि जो क्लेश हैं उनको हम ओवरकम कैसे करेंगे ओवरकम कैसे करेंगे इसको हमें, हमें देखना है तो उसके लिए महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं कि द फर्स्ट स्टेज ऑफ वर्किंग विद द क्लेशाज इज टू सिंपली एक देम सबसे पहले स्टेज क्या है कि आप उसको समझें कि वो है क्या नेक्स्ट रिफ्लेक्शन प्रमोट सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ नॉलेज टू अनकवर एंड सी क्लेशाज एंड देयर रूट्स एज वेल एज हाउ दे क्रिएट सफरिंग अगर आप उसको समझ लेंगे कि ये क्या है तो उसके कारण को भी आप समझ जाएंगे कि किस वजह से मुझे सॉरी <coughs> तो उससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि किस कारण ये हो रहे हैं ठीक है और उसका कारण एक ही होता है कि पुरुष जो है वो चित्त को अपना चित्त समझने लगता है उसकी वृत्तियों को अपनी समझने लगता है, है। यानी कि, कि जो ज्ञान थी उसको ज्ञान के रूप में क्या मिल रहा था अज्ञान मिल रहा था ठीक है बाई सिंपली शाइनिंग द लाइट ऑफ योर अवेयरनेस टू द डार्क प्लेसेज विल लेसन दावर ऑफ सफरिंग ठीक है इस तरीके से शाइनिंग द लाइट ऑफ योर अवेयरनेस लाइट ऑफ योर अवेयरनेस का मतलब क्या है पुरुष को अपने प्रकाश का ज्ञान हो जाएगा कि मैं कौन हूँ मैं एक मुक्त आत्मा हूँ जब उसको ये ज्ञान हो जाएगा टू these डार्क प्लेसेस विल लेसन their पावर्स ऑफ सफरिंग इस तरीके से जितने भी अंधकार वाले स्थान हैं यानी कि जहाँ पे अज्ञानता का अंधकार है वो सारे क्या हो जाएंगे वो सारे खत्म होना शुरू हो जाएंगे ठीक है तो इस तरीके से आज हमने क्या क्या पढ़ा आज हमने पढ़ा योग दर्शन का इंट्रोडक्शन उसके बाद में चित्त चित्त की वृत्तियां और उसके बाद में क्लेश नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अष्टांग योग अष्टांग योग में हम पढ़ने वाले हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि उसके बाद में हम पढ़ेंगे समाधि और समाधि के बाद में पढ़ेंगे केवल यानी कि लिबरेशन और उसके बाद में हम पढ़ेंगे योग दर्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो है वो इससे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है यूजफुल होने वाली है क्योंकि इसमें मैं दो हज़ार इक्कीस से लेकर दो हज़ार पंद्रह तक के जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं इनको मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि इसको कैसे आंसर करने वाले हैं ठीक है ठीके? तो ये सेशन भी देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आज की क्लास में इतना ही अगर किसी को कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दीजिएगा उस डाउट को मैं सॉल्व कर दूँगा अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा वहाँ पे भी आप ऑर्डर कर सकते हो जिससे कि आपको आपका जो स्टडी मटेरियल है वो जल्दी पहुँच जाएगा प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन अगर आपको चाहिए पाँच सालों के दो से लेकर दो तक के तो उसके लिए भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब कर लें बेलाइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक करें और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनके पास फिलोसफी ऑप्शनल सब्जेक्ट है या फिर फ़िलासफ़ी उनका ब्रांच है तो उनके साथ में आप वीडियो को शेयर करके उनकी नॉलेज को भी इन्हांस कर सकते हैं उनकी भी हेल्प कर सकते हैं ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे लाखों रुपए फीस नहीं दे सकते उनको देखो सारी चीज़ें बिल्कुल यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं तो इसका फ़ायदा उठाना है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और अपनी रैंक लेके आनी है ठीक है चलिए ठीक है इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मई क्लास हैव अ गुड डे गुड लक